फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको FWFC मीन्स फ्रेश वाटर फिश कल्चर 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस और उसमें का फर्स्ट लेसन विच इज़ एक्वेटिक वीड, वो बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो फिशरी सब्जेक्ट है उसमें दो पेपर हो जाते होते हैं, पेपर वन जो 50 मार्क्स का आता है और पेपर टू जो 50 मार्क्स का आता है। और दोनों पेपर में 5-5 यूनिट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है एक्वेटिक वीड, सेकंड इज़ फिश कल्टीवेशन, थर्ड इज़ फिश फार्म मैनेजमेंट, फोर्थ इज़ फिश फार्म इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फिश फार्म इन इंडिया, एंड फिफ्थ इज़ सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। एंड पेपर टू में फर्स्ट जो 50 मार्क्स का है, फर्स्ट यूनिट है मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स, थर्ड इज़ रिसोर्सेज ऑफ इनलैंड फिशरीज इन इंडिया, एक्वेरियम मेंटेनेंस, फोर्थ इज़ एक्वेरियम मेंटेनेंस, एंड फिफ्थ इज़ ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेज। तो आज मैं आपको पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट बताने जा रही हूँ, जो कि है एक्वेटिक वीड। ये सारे यूनिट्स को आपको 10-10 मार्क्स होते हैं, मीन्स फर्स्ट यूनिट को 10 मार्क्स, सेकंड को 10, थर्ड को 10, फोर्थ को 10 और फिफ्थ को 10, ऐसे मिलाकर 50 मार्क्स का आता है। लेकिन ऑप्शनल में एक्वेटिक वीड्स ये चैप्टर में 20 मार्क्स ऑप्शनल भी होते हैं, इसलिए 30 मार्क्स का पूरा 30 मार्क्स का पेपर इस एक्वेटिक वीड्स में से आता है, ये पेपर वन में। तो मतलब पेपर वन में एक्वेटिक वीड्स इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो हम पहले एक्वेटिक वीड्स ये चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो एक्वेटिक वीड्स लेसन नंबर वन है, इसमें 13 टॉपिक्स है, इसमें से आज हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वीड कंट्रोल, प्रीडेटरी फिशेस, कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी फिशेस ये देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है एक्वेटिक वीड्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। दिस एक्वेटिक वीड्स आर डिफाइंड एज द अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस वेरी रैपिडली, इफ दे आर नॉट चेक्ड दे चोक अप वाटर बॉडीज कॉजिंग ग्रेट लॉस दैट इज डैमेज टू फिश कल्चरीज। मतलब एक्वेटिक वीड्स जो है ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं, और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमारे फिश, जो भी हम फिश कल्चर कर रहे हैं उसको डैमेज कर देंगे। नेक्स्ट उसके क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एक्वेटिक वीड्स आर क्लासिफाइड इन द 6 टाइप्स, दैट इज फ्लोटिंग वीड, इमर्जेंट वीड, मार्जिनल वीड, सबमर्ज वीड, फिलामेंटस अल्गी एंड यूनिसेलुलर अल्गी। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्लोटिंग वीड, जो कि दीज आर फ्री फ्लोटिंग विद देयर लीव्स अबोव वाटर सरफेस, एग्जाम्पल इज अजूला, पिस्टिया, वॉल्फिया, इकोनिया। मतलब ये जो फ्लोटिंग वीड्स होते हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल है अजूला, पिस्टिया, वॉल्फिया, इकोनिया। ये जो क्लासिफिकेशन मैं अभी बता रही हूँ वो आपको 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और इसके एग्जाम्पल ये बहुत नेसेसरी है क्योंकि एक एग्जाम्पल को 1 मार्क्स होता है और उसके स्पेलिंग सही होना चाहिए, तभी आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो सेकंड देखेंगे हम इमर्जेंट वीड, दैट इज रूटेड इन द बॉटम बट देयर लीव्स अबोव द वाटर सरफेस। मतलब इमर्जेंट वीड जो है वो वाटर के सरफेस के अंदर होता है, बट वाटर के सरफेस के अंदर होता है लेकिन उसके लीव्स जो है वो वाटर के ऊपर रहते हैं, और उसके जो रूट्स होते हैं वो बॉटम में होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं, और एग्जांपल है निम्फिया, लोटस एंड नीलम्बो। नेक्स्ट इज मार्जिनल वीड्स, प्लांट्स ग्रोज अलोंग द मार्जिन और ऑन अ शोर लाइन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज मार्जिनल वीड्स। मतलब जो भी प्लांट जो मार्जिन के साइड में वाटर पॉइंट या वाटर जो पॉन्ड में रहता है उसके साइड पे या फिर शोर लाइन पे रहते हैं उनको मार्जिनल वीड्स कहा जाता है, जैसे कि टाइफा, आइपोमिया एंड कोलाकाशिया। ओके, फिर आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारा सबमर्ज वीड्स, ये जो है एंटायर प्लांट लाइज इनसाइड द वाटर। ये सबमर्ज वीड में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सब वाटर के नीचे रहते हैं, और सबमर्ज वाटर वीड्स में दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि रूटेड एंड अनरूटेड। रूटेड मतलब जो पूरा प्लांट वाटर के अंदर हो और उसके रूट सॉइल के अंदर होंगे उसको रूटेड कहेंगे, उसके एग्जाम्पल हाइड्रिला, नाजेस, वेलिसनेरिया।
एंड सेकेंड इज अनरूटेड, मतलब ये जो प्लांट होते हैं वो वाटर के अंदर तो होते हैं लेकिन उनके रूट सॉइल के अंदर नहीं होते। उसमें एग्जाम्पल्स है सीरेटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। तो आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर का हमारा टाइप है फिलामेंटस अलगी। ये जो फिलामेंटस अलगी है ये फॉर्म्स मैट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर के सरफेस के ऊपर मैट चादर जैसी बिछाते हैं, उसके एग्जाम्पल स्पायरोगायरा एंड वॉल्वैक्स। नेक्स्ट इज सिक्स नंबर है यूनिसेल्युलर अलगी। ये दिस अलगी इज स्प्रेड रैपिडली, इम्पार्ट ग्रीन कलर एंड फॉल स्मेल। ये जो अलगी होती है ये यूनिसेल्युलर, मतलब वन सेल से बनी होती है, और ये जल्दी से वाटर के सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाती है और ग्रीन कलर और बहुत बुरी स्मेल आती है उसमें से। और इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबेना। आगे देखते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स। ये एडवांटेजेस भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, उसमें आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर ये आपने लिख दिए पूरे 6 to 6 पॉइंट देन ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट इज सम प्लांट्स लाइक हाइड्रिला प्रोवाइड फूड टू सम हर्बीवोरस स्पीसीज लाइक ग्रास कार्प। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन दे आर लिमिटेड दे एक्ट एज अ बैलेंसर ऑफ CO2 एंड O2। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो बताता है कि हाइड्रिला जैसे जो भी प्लांट रहते हैं, मतलब हाइड्रिला कौन से इसमें आता है, अभी हमने देखा था हाइड्रिला अनरूटेड सबमर्ज वीड्स में आता है। ये हाइड्रिला जैसे ये हर्बीवोरस स्पीसीज, मतलब ग्रास कार्प, ये हमारी एक फिश का नाम है, इसको फूड प्रोवाइड करता है। ये जो ग्रास कार्प है ये हर्बीवोरस स्पीसीज है। नेक्स्ट इज व्हेन दे आर लिमिटेड दे एक्ट एज अ बैलेंसर ऑफ O2 CO2। जब ये जो पूरे एक्वेटिक वीड्स हमारे वाटर में कम मात्रा में पाए जाते हैं तब वो CO2 और O2 को, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मीन्स ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। थर्ड एडवांटेजेस इज दे प्रोवाइड शेल्टर टू टाइनी फिशेस फ्रॉम एग्रेसिव फिशेस। मतलब ये जो एक्वेटिक वीड है ये टाइनी फिशेस को, टाइनी हमारे जो भी हम फिश कर पाल रहे हो उन टाइनी फिशेस को, एग्रेसिव फिशेस मतलब जो भी उन टाइनी फिशेस को खाते हैं उनसे बचाता है। फोर्थ पॉइंट इज सम प्लांट्स एक्ट एज अ एग कलेक्टर। एग ऑफ द फिश सिप्रिनियस स्कॉर्पियो आर एडिसिव दैट इज स्टिकी दे गेट अटैच्ड टू द लीव्स ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट्स रहते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था हाइड्रिला, इसके जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो एक कलेक्टर जैसे एक्ट करते हैं। मतलब जो फिश हमारी फिश है सिप्रिना स्कॉर्पियो, ये एक फिश का प्रकार है, इसके जो एग्स होते हैं ये इस हाइड्रिला के लीव्स को अटैच होती है जिससे वो शेल्टर प्रोवाइड करता है हमारे हमारे फिश के एग के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ एडवांटेजेस इज दे आर यूज टू प्रोड्यूस पेपर एंड कार्डबोर्ड। हमारे एक्वेटिक वीड पेपर और कार्डबोर्ड के लिए भी यूज होते हैं। सिक्स पॉइंट इज आफ्टर डेथ द प्लांट एक्ट एज द फर्टिलाइजर। और मतलब एक्वेटिक वीड्स जब ख़त्म हो जाते हैं तब वो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट होते हैं। मतलब हमारे वाटर को दूसरा कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने का काम नहीं रहता। नेक्स्ट देयर इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स। दिस इज फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दे चोक अप द वाटर बॉडी। मतलब जो भी हमारे एक्वेटिक वीड्स वाटर में है वो वाटर बॉडीज को, मतलब वाटर बॉडीज मतलब फिशेस और अदर इंसेक्ट्स को चोकअप कर देती है, उनको जगह नहीं देती। सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज दे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ फिशेस। मतलब अगर हमारे पॉन्ड में फिशेस भी है और एक्वेटिक वीड्स भी है और ज़्यादा एक्वेटिक वीड्स होने के कारण वो फिशेस के लिए अच्छी नहीं होती, फिशेस को वाटर पॉन्ड में जगह नहीं मिलती, इसलिए वो भी एक डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। थर्ड इज दे कम्पीट फॉर स्पेस विथ फिशेस। मतलब अगर पॉन्ड में फिशेस हो और ज़्यादा एक्वेटिक वीड हो इसलिए फिशेस को ज़्यादा जगह नहीं मिलती जीने के लिए, इसलिए वो भी एक डिसएडवांटेजेस है। फोर्थ डिसएडवांटेज इज दे प्रोवाइड शेल्टर टू प्रीडेटरी फिशेस एंड इंसेक्ट्स। प्रीडेटरी मतलब जो भी
जो भी फिशेस और इंसेक्ट जो हमारे फिशेस को खाती है, हमारे फिशेस को मतलब जो जिस फिशेस को भी हम पाल रहे हैं पॉन्ड में, उस फिशेस को जो भी दूसरी फिशेस और इंसेक्ट खाते हैं उसको प्रीडेटरी फिशेस और इंसेक्ट कहते हैं। तो ये जो एक्वेटिक वीड्स है वो प्रीडेटरी फिशेस और इंसेक्ट को जगह देती है, इसलिए ये भी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अगर इनको जगह मिल गई वहाँ पॉन्ड में रहने के लिए तो ये हमारे फिशेस को खा लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ डिसएडवांटेज इज दे डिस्टर्ब CO2 एंड O2 बैलेंस व्हेन प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। अगर एक्वेटिक वीड वाटर में ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस वाटर में डिस्टर्ब कर देती है। सिक्स डिसएडवांटेज इज कटिंग ऑफ सनलाइट अफेक्ट्स पॉन्ड प्रोडक्टिविटी। एक्वेटिक वीड पॉन्ड में होने के कारण वो सनलाइट को आने नहीं देती और इससे हमारी फिशेस ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती। सेवेंथ इज दे ब्रिंग स्लिट एक्यूमुलेशन, मीन्स एक्वेटिक वीड गार्ड जमा कर देती है, मतलब कचरा लाती है साथ में। एट इज फ्राई गेट एंटेंगल्ड इन द प्लांट्स एंड लीड टू डेथ। फ्राई मीन्स इट इज़ अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ अ फिश, फर्स्ट डेवलपिंग देर आर फाइव डेवलपिंग स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट इज स्पॉन, नेक्स्ट आफ्टर स्पॉन देर इज फ्राई, नेक्स्ट आफ्टर फ्राई देर इज फिंगरलिंग, एंड आफ्टर फिंगरलिंग देर इज अडल्ट, जो कि मेल और फीमेल में डिवाइड होते हैं। मेल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फीमेल को वापस पॉन्ड में डाला जाता है ब्रीडिंग के लिए। तो ये जो फ्राई है वो हमारी सेकेंड डेवलपिंग स्टेज है और ये फ्राई ज़्यादा हमारे एक्वेटिक होने के कारण ये उसमें अटक जाते हैं, उससे उनकी डेथ हो जाती है। ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज आफ्टर डेथ दे प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स विच पोल्यूट वाटर एंड इम्पार्ट फाउल स्मेल टू वाटर। मीन्स उनके मरने के बाद, वो एक्वेटिक वीड के मरने के बाद, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स देते हैं पॉन्ड को। वाटर में ज़्यादा फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स होने के कारण फिर वो हमारे वाटर का बहुत ख़राब स्मेल आता है और वो हमारे वाटर को पोल्यूट कर देती है। ये है हमारे डिसएडवांटेजेस। उसके पहले हमने देखा एडवांटेजेस एंड उसके पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। बाद में डिसएडवांटेजेस के बाद में है वीड कंट्रोल। हमने अभी डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं और हमें पता चल गया है कि उसके ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, ज़्यादातर उनके डिसएडवांटेजेस है, इसलिए हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर वीड कंट्रोल मतलब क्या है तो वो देखेंगे। नेसेसरी टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, ये इरेडिकेशन ऑफ वीड्स ये हमारे फिश प्रोडक्शन को आगे बढ़ाती है। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स मतलब वीड को कंट्रोल करना, वीड्स को ख़त्म ही कर देना एक्वेटिक वीड्स को। उसके फोर मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज मैनुअल कंट्रोल मेथड, मैकेनिकल कंट्रोल मेथड, थर्ड इज केमिकल कंट्रोल मेथड, फोर्थ इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। सो सबसे पहले हम देखेंगे मैनुअल कंट्रोल मेथड। ये जो मेथड है उसके बहुत सारे पॉइंट है। ये मेथड को आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हम देखेंगे बिफोर डिस्कवरी ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड मैनेजमेंट मेथड इज यूज टू क्लियर एक्वेटिक वीड। मतलब जब मैकेनिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड नहीं आई थी तब सबसे पहले मैनुअल मेथड ही इस्तेमाल की जाती थी एक्वेटिक वीड्स को निकालने के लिए। दिस मेथड इज ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लेबर। ये जो मेथड है ये बहुत पुरानी और सबसे सस्ती है, लेकिन हमें सिर्फ ह्यूमन लेबर्स की ज़रूरत होती है इस मैनुअल कंट्रोल मेथड में। थर्ड पॉइंट इज इमर्जेंट एंड मार्जिनल वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग। हमने अभी देखा था इमर्जेंट वीड किसको बोलते हैं और मार्जिनल वीड्स किसको बोलते हैं। तो इमर्जेंट और मार्जिनल वीड्स हम हैंड पिकिंग मतलब हाथ से निकाल सकते हैं पॉन्ड से,
और नेक्स्ट इज फ्लोटिंग वीड्स इन सम वाटर आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग और नायलॉन नेट। और जो फ्लोटिंग वीड्स रहते हैं मतलब जो पानी के ऊपर तैरते हैं जो भी वीड्स, उसको हम हाथ से निकाल सकते हैं या फिर नायलॉन नेट की मदद से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर रूटेड सबमर्ज वीड्स, सिंपल डिवाइसेस लाइक बाम्बू पोल्स आर यूज। और जो भी सबमर्ज वीड्स होते हैं, जो रूटेड सबमर्ज वीड्स होते हैं जो कि उनके रूट, जिन वीड्स के रूट सॉइल में होते हैं, उनको हम बाम्बू पोल की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें मैनेजमेंट मेथड भी इस मैनुअल मेथड में ही डालना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट मेथड इंक्लूड्स पीरियोडिक ड्रेनिंग एंड ड्राइंग। इस मैनेजमेंट मेथड में ड्राइंग और ड्रेनिंग होती है। ड्राइंग मतलब पॉन्ड का पूरा ड्राई कर देना, उसमें से पानी निकाल देना, और ड्रेनिंग मतलब उसमें से जो भी पानी है वो एक आउटलेट की मदद से निकाल देना, जिससे हमारे एक्वेटिक वीड कंट्रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्गल ब्लूम्स कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग लिक्विड काउडंग। अल्गल ब्लूम्स को, जो भी हमारे अल्गल ब्लूम्स जो वाटर में है, उसको हम लिक्विड काउडंग उस पर स्प्रे करके उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल कंट्रोल मेथड। दिस मेथड इज फॉर बिग साइज ऑफ पॉन्ड। ये जो मैकेनिकल कंट्रोल मेथड है, ये हमारे बड़े वाले साइज के पॉन्ड के लिए होता है। मोस्ट सुटेबल डिवाइस टू कंट्रोल सबमर्ज एंड फ्लोटिंग वीड्स। ये जो मैकेनिकल कंट्रोल मेथड है वो हमारे ज़्यादातर सबमर्ज और फ्लोटिंग वीड्स को कंट्रोल उससे करा जाता है। ये देखेंगे, इसमें डिवाइसेस होते हैं जैसे कि वीड कटर, जो हमारे वीड्स को कट करता है। सेकेंड डिवाइस इज वीड हार्वेस्टर, जो हमारे वीड को कट भी करता है और डिस्प्लेस इट, और वो हमारे वीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेके जाता है। थर्ड इज वीड हार्वेस्टर कंबाइन, दिस कट द वीड, डिस्प्लेस इट एंड मेक इट स्मॉल पीसेस एंड मेक इट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। ये जो वीड हार्वेस्टर कंबाइन है, ये हमारे वीड्स को कट करता है और दूसरे जगह पर लेके जाकर उसके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है और उसको फर्टिलाइजर बनाता है। नेक्स्ट, दिस इक्विपमेंट इज माउंटेड ऑन द मोटर बोट, इट हैज़ अ शार्प स्ट्रॉन्ग कटर बार। ये जो इक्विपमेंट अभी मैंने बताया, जो कि वीड कटर, वीड हार्वेस्टर कंबाइन, ये एक मोटर बोट पे लगाया हुआ जाता है। उसको एक शार्प और स्ट्रॉन्ग कटर बार होता है, उसको एक शार्प कटर बार मतलब ब्लेड होता है, जिससे कि वीड कट कर सकते हैं। इट कट्स द वीड अबाउट 1 meter बिलो वाटर सरफेस। ये जो होते हैं, ये जो वीड कटर, वीड हार्वेस्टर कंबाइन, ये जो डिवाइसेस होते हैं, वो वाटर के 1 meter डाउन ही वीड को कट करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज केमिकल कंट्रोल मेथड। व्हेन नॉट पॉसिबल टू कट वीड्स बाय मैकेनिकल एंड मैनुअल मेथड, देन केमिकल मेथड इज यूज। जब मैकेनिकल और मैनुअल मेथड से ये वीड कंट्रोल नहीं होते हैं, तभी हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्राइटेरिया लिखना पड़ता है। अगर ये आपको क्राइटेरिया भी 2 marks के लिए पूछा जाता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है क्राइटेरिया फॉर केमिकल वीडिसाइड सिलेक्टिंग। फर्स्ट इज इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, मतलब ये सस्ता होना चाहिए और ज़्यादातर प्लेसेस पर अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंडली, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक टू मैन एंड फिशेज, ये हमारे फिशेज और मैन को हार्म नहीं करना चाहिए। थर्ड इज इट शुड नॉट पोल्यूट द वाटर, मतलब ये हमारे वाटर को भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए। थर्ड इज दे शुड नॉट बी कॉस्टली, ये ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड इज द इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड शुड नॉट बी डिस्टर्ब, मतलब हमारे पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें फिशेज भी होते हैं इसलिए। सो केमिकल मेथड फॉर फ्लोटिंग वीड्स। फ्लोटिंग वीड्स ये कैसे केमिकली कंट्रोल होते हैं वो बताया है। ये आपको आता ही है, सब एग्जाम में ये पॉइंट आता ही, केमिकल कंट्रोल मेथड। तो हमें फर्स्ट लिखना पड़ता है, इकोर्निया, अजोला, वॉल्फिया एंड पिस्टिया आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये हमारी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए अगर पेपर में आता है तो। सेकंड लाइन होनी चाहिए, इकोर्निया कैन बी कंट्रोल बाय एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D सॉल्यूशन एट रेट ऑफ 4.5 to 6 kg per hectare।
मतलब इकॉर्निया, ये जो वीड है इसे हम 2,4-D सॉल्यूशन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें 4.5-6 केजी पर हेक्टर में डालना होता है। नेक्स्ट इज पिस्टियन अजुला, दे कैन बी कंट्रोल बाय टेफिसाइड 80। ये टेफिसाइड 80 से कंट्रोल होते हैं। ये टेफिसाइड 80 हम सर्फ सॉल्यूशन में मिक्स करके बनाया जाता है इन रेशियो 1:15। मतलब जब अगर 15 टाइम्स अगर हमने सर्फ सॉल्यूशन लिया तो उसका वन टाइम वी हैव टू यूज टेफिसाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ सबमर्ज वीड, फर्स्ट लाइन हमारी यही होगी। इसके एग्जांपल जो कि हाइड्रिला, वेलेसनेरिया, पोमेटोजेना, नाजेस एंड सीरेटोफाइलम आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सेकेंड लाइन होनी चाहिए, इट कैन बी कंट्रोल बाय कॉपर सल्फेट विद अमोनियम सॉल्ट। ये जो जितने भी एग्जांपल थे इसको हम कॉपर सल्फेट से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमें अमोनियम साल्ट में मिक्स करना होता है। थर्ड इज सोडियम आर्सेनेट एट 5-6 ppm also यूज। सोडियम आर्सेनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें उसका जो मेजरिंग है वो 5-6 ppm रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अदर वीडिसाइड आर कंट्रोल बाय 2,4-D एंड सिमैक्सिन, और जो बाकी के जो है उसे हम 2,4-D और सिमैक्सिन से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ इमर्जेंट वीड्स। सो फर्स्ट पॉइंट वही रहेगा हमारा, वो एग्जांपल जो कि वाटर लिली, लोटस, निम्फिया एंड नीलम्बो आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सेकंड इज कंट्रोल बाय 2,4-D टेफिसाइड 80 प्लस सर सॉल्यूशन एट रेट ऑफ 3-6 ppm। ये जो हम वाटर लिली, लोटस, निम्फिया, नीलम्बो, हम इसको 2,4-D से कंट्रोल कर सकते हैं और टेफिसाइड 80 से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर सॉल्यूशन मिक्स होना चाहिए एट रेट ऑफ 3-6 ppm। इस रेट में वो मिक्स होना चाहिए सॉफ्ट सॉल्यूशन टेफिसाइड 80 के साथ। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ मार्जिनल वीड्स, इसमें वो एग्जांपल लिखनी पड़ेगी, टाइफा, आइपोमिया, कुलाकाशिया आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सेकंड पॉइंट होगा कंट्रोल बाय एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ टेफिसाइड 80 एंड सर्फ सॉल्यूशन। हम इन सारे को कंट्रोल कर सकते हैं टेफिसाइड 80 के साथ, जो कि हमें सर्फ सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्रामोक्सोन एट रेट 3 ppm ऑल्सो यूज। ग्रामोक्सोन भी हम यूज़ कर सकते हैं एट रेट ऑफ 3 ppm। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ वीडिसाइड शुड बी डन ऑन सनी डेज, इफ इट इज डन ऑन रेनी डेज द केमिकल विल बी वॉश्ड अवे। ये हमें वार्निंग दी गई है, क्योंकि जो भी वीडिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वो हम सिर्फ सनी डेज में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने वो रेनी डेज में यूज़ किया तो वो जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो वॉश हो जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा, धुल जाएगा, और हमारे जो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे वीड। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ यूनिसेल्युलर अल्गी में CuSO4 ओनली किल द अल्गी, इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट्स रेसिड्यू लास्ट फॉर 10-12 डेज। यूनिसेल्युलर अल्गी को किल करने के लिए सिर्फ CuSO4 ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि CuSO4 सिर्फ किल कर सकता है अल्गी को, और ये जो CuSO4 है ये ज़्यादा टॉक्सिक होने के कारण इसका जो ये पानी में 10-12 डेज रहता है, इसलिए हमें फिशेस को उसमें नहीं जाने देना चाहिए 10-12 डेज आफ्टर द यूज ऑफ CuSO4। नेक्स्ट इज माइक्रोसिस्टिस कैन बी कंट्रोल बाय सिमैक्सिन एट रेट ऑफ 0.5-1 ppm। जो सिमैक्सिन माइक्रोसिस्टिस है ये हम सिमैक्सिन से कंट्रोल कर सकते हैं एट अ रेट ऑफ 0.5-1 ppm। नेक्स्ट इज CuSO4 एट रेट ऑफ 3 ppm इज यूज। CuSO4 हम 3 ppm के रेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं यूनिसेलुलर।